स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन विच इज चैप्टर वन ऑफ एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर से सीखेंगे ठीक है। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो ये है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे ठीक है, क्योंकि पहले हमारी जो अप्रोच थी उस सब्जेक्टिव थी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हमें टैकल करना है पूरा फुल डिटेलिंग के साथ हम सीखने वाले हैं। सो जल्दी से अपने कॉपी पेन उठा लो एंड स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑफ एग्जाम्पलर ठीक है। ध्यान रखना ये मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे एग्जाम्पलर बुक से करवा रहा हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी की ही प्रस्ताव है ठीक है। नाउ आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो क्वेश्चन नंबर सीधे पीडीएफ पे जाओ और क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करो, वहां से क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उससे पहले कर सकते हो, बट अभी 28 से करो एंड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद ट्राई करो ठीक है। जो ना हो उसके लिए कैसे करना है फिर वीडियो पे देखो ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ यूक्लिडियन प्लेन ठीक है। ये कौन सा प्लेन है, नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन है ठीक है। एंड लेट अ रिलेशन आर ऑन टी बी डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ ए जो है वो बी के साथ रिलेशन में है अगर ए एंड बी कॉन्ग्रुएंट होंगे ठीक है। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो ट्राइंगल मतलब बहुत सारे ट्राइंगल प्लेन में हैं, उनमें कोई भी दो जो ट्राइंगल है वो रिलेशन में होंगे अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें प्रूव करना है, हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस हो। ए ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस है ना। मैं ला दू इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्यों देखते हैं। इक्विवेलेंस फर्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्सिव, क्या आता है रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या चेक करते हो, क्या हर एक ट्राइंगल खुद के साथ इस प्लेन में जो हर एक ट्राइंगल है वो खुद के साथ रिलेशन में है। जी हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि हर एक ट्राइंगल जो होता है वो खुद से क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। क्या लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आपका आर ठीक है। सेकंड क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। ध्यान दो इनकी कंडीशन में बच्चे अक्सर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना है। सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं अगर कोई दो चीजें कोई भी दो चीजें रिलेशन में हैं, तो अगर उनको उल्टा मतलब अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो अगर आप शो कर दो कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक है। गिवन क्या है ए कॉमा बी, हम मान के चलेंगे कोई भी दो ट्राइंगल ए कॉमा बी वो आर को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब आर को बिलोंग करने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिलेशन रिलेशन यहाँ पे क्या है कि ए और बी क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है, ए और बी क्या आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ए बी का कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए के भी कॉन्ग्रुएंट होगा ठीक है। अगर ए और बी एक जैसे हैं तो मतलब इसका मतलब क्या बी ए के भी एक जैसे ही होगा ठीक है। मैं क्या लिखूंगा बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी। अब देखते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन, क्या देखते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन। ट्रांजिटिव की कंडीशन कहती है अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, ये आपको मानना पड़ेगा ठीक है। लेट करके चलो ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, जी हाँ बी कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, हो सकता है ए और बी के कॉम्पोनेंट हो सकता है और कोई वो बी सी के कॉम्पोनेंट हो सकता है। तो अगर ए बी के कॉम्पोनेंट है, ए बी के कॉम्पोनेंट है और बी कॉम्पोनेंट है सुना देते हैं और बी सी के कॉम्पोनेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए और सी भी क्या है कॉम्पोनेंट है। तो इससे हमें यहाँ क्या पता चलेगा ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और जब ये हम शो करने में कामयाब हो जाए तो बोल देते हैं हाँ भाई ट्रांजिटिव होगा। जो तीनों रिलेशन शो करता हो वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है। देखो एक ही ध्यान रखना, अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हो कि आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं आता है, जीरो आता है, तो आपको फायदा नहीं है ठीक है। क्योंकि इसमें आपको अप्रोच सिखाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको हर चीज नहीं बताऊंगा कि हाँ भाई क्या एक आपका रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्सिव डिस्कस कर दिया। बट अगर आपको एकदम बेसिक से सीखना है तो आप चैनल को विजिट करो, लक्ष्य बैच के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रहे थे, उसमें मैंने सारे अभी तक डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है उसमें ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, एक चीज वहां पे डिस्कस मैंने कर ली है ठीक है। तो आप पहले बोल रहे देखो, अगर आपको बिल्कुल आपको इस चैप्टर में आप एकदम जीरो से स्टार्ट करो, बट अगर आपको बेसिक्स के लिए थोड़ा बहुत आपको आता है, थोड़ा बहुत आता है, पता है यहाँ पे क्या रिफ्लेक्स है क्या सिमेट्रिक क्या है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे वो अलग बात है, वो हम करवाएंगे, बट आपको थोड़ा सा लॉजिक पता है देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइंड ठीक है। एक फैमिली है उसमें एक रिलेशन बना रहे, क्या कोई भी दो जन रिलेशन होंगे ए रिलेटेड टू बी अगर A is a brother of B। अगर A B का brother होगा तो हम बोल देंगे भाई A क्या है
बी के साथ रिलेशन में है, तो बताना है, कुछ ऑप्शन दे रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन देकर बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कहेंगे। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, आप पूछ लो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, जी नहीं। क्या कोई खुद का ब्रदर हो सकता है? क्या मैं खुद का भाई हो सकता हूँ? नहीं। तो इसका मतलब भाई रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं कि सेट का जो हर एक एलिमेंट है वो खुद के साथ, मतलब फैमिली का जो हर एक मेंबर है वो खुद के साथ रिलेशन में, हर एक कोई रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या हर कोई खुद के साथ है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई खुद का भाई हो नहीं सकता भाई। क्या कोई खुद का भाई हो सकता है? तो लिखते हैं ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं, कह रहा है सिमेट्री में ध्यान रखो, पहले एक कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो ब्रदर है, ब्रो है बी का, ए बी का है। आप मुझे बताओ क्या कंपलसरी है कि बी ए का भाई हो? आप मुझे बताओ, चलो आपकी बहन होगी, ठीक है, लेट करो कि मेरी एक बहन यहां खड़ी है, ठीक है, तो मैं उसका भाई हूं, तो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी मेरी बहन का नाम है। बट अगर इसका आपको उल्टा देखो, उल्टा देखो क्या कि बी क्या मेरी बी मेरा भाई है? नहीं, क्या है वो सिस्टर है। तो यहाँ पे अगर लड़की हुई बी की जगह, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। आप बोलोगे बी की जगह लड़की ले लो, भाई ही ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। सिमेट्रिक में तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना भाई। हमें मानना है कि ए बी का भाई है, ये कंडीशन जहां ट्रू हो जाएगी वहां पे ये रिलेशन कामयाब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये कोई बोला कि बी को लड़का नहीं लेना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो मैं मान के चलूं कि यहां पर कोई लड़की है, ठीक है, और वो उसका क्या है, ब्रो है, तो क्या वो लड़की उसकी ब्रो हो जाएगी? वो तो क्या है, एक्सिस ही रहेगी, ठीक है। ये चीज मेरे को बतानी है कि अगर आपको एक ही रिलेशन मिल जाता है डिफॉल्टिंग, तो ये दो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, B, A does not belongs to R। देखो सबसे अच्छी बात जो होती है ऑब्जेक्टिव में, ये होती है कि इसमें लिखने का झंझट नहीं होता, ठीक है, क्या लिखो क्या वर्ड होना चाहिए, इससे हम बच जाते हैं। तो उस इस चीज का फायदा होता है। थर्ड, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, खुद सोचो ट्रांजिटिव होगा, चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन में पहले से मान के चलनी होती है, क्या A B का भाई है, मतलब A belongs to R, B comma C belongs to R, बोल रहे हैं ए जो है वो बी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, ठीक है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, इस बार बी लड़का ही है, क्यों? क्योंकि सी का भी वो भाई है। ये मैं मान के चलना, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू बी मान के चलना है। तो क्या ए और सी का रिलेशन हमें मिल जाएगा? आप मुझे बोलता हूं क्या ए और सी का रिलेशन हमें मिल जाएगा? तो मैं देखो, हाँ भाई, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए भी सी का भाई होगा। आप कहो यार सी की लड़की बना दो ना, गढ़ बना दो, तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सी लड़की भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है? मान लो ए तो फिर भी भाई है, ए तो लड़का है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। लेट करो ये आप दोनों भाई हो, तो ये आपकी बहन है, तो आप दोनों भाई और आप इसके भाई, तो ये भी तो इसका भाई होगा, ठीक है। इससे मैटर नहीं करता ये लड़की है या नहीं है, ठीक है। यहां से हम पता लगे भाई ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे की बना देता, मतलब अच्छे खासे, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए 1 2 3 ए 1 2 3 देखो क्वेश्चन करवाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के बारे में एक एक चीज बताना भी जरूरी है, एक चीज बताना भी जरूरी है। तो ध्यान रखो इस सेट के अंदर बताना है कितने रिलेशन होंगे। आप कहो सेट के अंदर किससे? इस सेट के खुद से, ठीक है, मतलब ए क्रॉस ए से, एक रो से समझ रहे हो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच ए इज मेकिंग विद इटसेल्फ ठीक है तो देख रहा हूं तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं आपका पहले नोट कर सकता है 1 कॉमा 1 कौन सकता है 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3 ठीक है। अगर हम ज्योमेट्री के डोमेन से निकालना तो ऐसे करते हैं, तो 1 2 3 और 1 2 3 ठीक है, ये ए हो गया, ये आपका ए हो गया, तो 1 इन तीनों के साथ भी जा सकता है, 2 इन तीनों के साथ 3, ये पेयर में लेके बना दिया और कुछ नहीं करा, ये तो काम होगा ऑर्डर पेयर बना दिया, ये बन सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है।
पॉसिबल ऑर्डर पेयर है। अब कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं, क्या बनाने हैं, मतलब इनमें से मेरे को कुछ रिलेशन देने हैं और बताने हैं कि ऐसे कितने रिलेशन मैं इनमें से निकाल सकता हूं जो इक्विवेलेंस होंगे। ठीक है, आई नो काफी बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर ए टिक कर रहे होंगे व्हिच इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बट इसका आंसर जो होगा वो डी होगा व्हिच इज 5। 5 ऐसे मैं रिलेशन निकालूंगा जो कि इक्विवेलेंस होंगे। कैसे पहला रिलेशन आर आर ये क्या होगा अगर मैं 1.1 2.2 और 3.3 ले लूं, ये जो रिलेशन होगा आपका क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों देखो अब देखते हैं अगर ये रिलेशन सेट करते क्या 1 2 3, ठीक है, सेट करते एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, ये जो है 1 2 3 खुद के साथ रिलेशन में है, इसका मतलब देखो 1 1 के साथ 2 2 के साथ 3 3 के साथ, इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, बट क्या रिफ्लेक्सिव से काम चल जाएगा नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक करने के लिए देखो सिमेट्रिक करने के लिए हमें एक कंडीशन देनी होती है क्या कि a कॉमा b r को बिलोंग करता है, a कॉमा b r को बिलोंग कर रहा है, बट आप मुझे खुद बताओ यहां पे मैं ऐसे कोई एलिमेंट ले सकता हूं इसके अंदर जो r को बिलोंग कर रहे हो, मतलब जो कंडीशन मेरे को गिवन होती है वो मैं यहां पे ले नहीं सकता क्योंकि मैंने ये ही तीन एलिमेंट है, मैं ऐसे कोई कंडीशन ले सकता कि a और b r को मतलब 1 किसी और के साथ रिलेशन में नहीं 1 से 1 के साथ रिलेशन में, अगर यहां पे होता 1.2 तो फिर मेरे को 2.1 शो करना होता, 2.1 शो करना होता, बट यहां पे जब मेरे को जो चीज गिवन है वही चीज मैं ले नहीं पाऊंगा तो इसको बोलते हैं बाय ट्रिवियली, ये सिमेट्रिक है, ट्रिवियली मतलब इनप्रॉपर इंफॉर्मेशन, स्टार्ट में हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वही नहीं है तो हम इसको कमाल ये सिमेट्रिक मान के चलेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया, इस तरीके से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव फिर से बता रहा हूं, देखो ये चीज भी नहीं है, अपनी तरफ से बोल रहा हूं इलीगली है, देखो ट्रांजिटिव में बोलता है अगर ए बी को बिलोंग कर रहा है और बी सी को बिलोंग कर रहा है तो आप प्रूव करो कि ए शो करो ए सी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बट जब हमारे पास इनिशियली दो कंडीशन ही नहीं है तो हम तीसरी कहां से लेके आए, हम तीसरी कहां से लेंगे, इसको बोलेंगे ट्रिवियली। ट्रिवियली क्या है, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, ठीक है, सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव से इस तरीके से हो गए। नाउ आर टू लेता हूं, क्या लेता हूं, आर टू 1.1 देखो ये तो हर में डालने पड़ेंगे 3.3 तो एक डालो 1.2, अब अगर 1.2 डाला तो सिमेट्रिक भी डालना पड़ेगा 2.1। ठीक है, ये जो रिलेशन होगा क्या ये इक्विवेलेंस है, जी हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों, देखो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, सिमेट्रिक क्या है 1.2 का गिवन क्या है, देखो 1.2 को गिवन मिल गया तो अगर 1.2 है तो 2.1 भी होगा और जी हाँ है रिलेशन में। ठीक है, रिलेशन को r2 को बिलोंग कर रहा है, समझ में आ रहा है, अगर 1.2 बिलोंग कर 2.1 भी, आप केवल 2.3 ले लो 2.2 2.3 मैंने ले लिया ना, अगर मैं 2.3 लूंगा तो 3.2 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर और भी सारी चीजें ऐड करेंगे तो मैं ले लिया, मेरे को तो सारे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने हैं तो ये भी क्या हो गया सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर 1 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ, देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन है, तो क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन है, ये भी तो ट्रांजिटिव का केस हो गया भाई, सी एलिमेंट जो है वो एक इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, चला लेंगे 1 2 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है, तो क्या 1 1 के इक्वल है, हां इक्वल नहीं रिलेशन में है, जी हां 1 को मोहन रिलेशन में है। ठीक है, आप दूसरा केस देखते हो 2 1 के साथ और 2 1 के साथ और 1 2 के साथ, 2.2 भी रिलेशन में आएगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी होगा। नाउ आते हैं R3, ठीक है, R3 तो सिमिलरली ये तो बिल्कुल एज इट इज चलेगा और इधर 1.2 की जगह क्या ले लो 2.3 ले लो और इस 3.2, ठीक है, तो ये भी तीन हो जाएंगे। देन R4 एज इट इज ये सेम और इस पर क्या ले लो 1.3 ले लो और 3.1 ले लो, ठीक है, ये भी तीन हो जाएंगे। आई होप समझ आएगा। अब R5 क्या होगा, देखो R5 ये भी होगा, R5 ये सारा सेट होगा भाई, यहां हो गया R5 ये दो दो होगा, ठीक है, R5 जो हमारा कंप्लीट सेट है ये भी तो रिलेशन में है। कैसे, आप कोई का एलिमेंट ले लो भाई 2.3 है, 2.3 तो इसका सिमेट्रिक बन जाएगा 3.2, ठीक है, जैसे आप 2.3 ले रहे हो और 3 का रिलेशन 3 1 के साथ ले रहे हो भाई, अगर ट्रांजिटिव दिखाना है तो 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ और 2 का 1 के साथ है, हां ये रहा 2 का 1 के साथ, ठीक है, जो जो कंप्लीट सेट होता है वो इक्विवेलेंस
होता ही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप अब आपको कंफ्यूजन आ रही होगी, भाई आपको कैसे पता कि पांच ही होंगे, देखो चार मैंने बनाए, अब चार के बाद मैं आपको टास्क दे रहा हूं, चार के बाद आप क्या करो, कोई भी एक एलिमेंट डालो इसके अंदर, लैपटॉप इसके अंदर मैं एक एलिमेंट डाल देता हूं 2.3, क्या डाल देता हूं 2.3 से ऐसे डाल देता हूं रैंडमली। तो अगर मैं 2.3 डाला है तो मुझे इसको सिमेट्री की बनाना पड़ेगा, तो 3.2 भी आएगा, ठीक है। और मुझे इसको ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा, कैसे, अगर 1.3 है, 1.3 है और 3.2 है, तो मुझे 1.2 भी डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ डालना पड़ेगा, और अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी डालना पड़ेगा, क्या बनाने के लिए, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल एलिमेंट आ गया, आ गया आपका कंप्लीट सेट, आर साइड बन गया, बन गया नहीं बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इससे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31 बात है, बहुत ही सही क्वेश्चन है, बेहतरीन वाला मजा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आता है, 31 पे कह रहा है, इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 बी डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, वही सेट है, ए कितना है 1 2 3, ठीक है 1 2 3, और रिलेशन इस बार दे रखा है आपको, रिलेशन दे रखा है 1.2, ठीक है। देन आर, अब मुझे पता है ज्यादातर बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि आर जो है, जो आर है वो आपका क्या है, नॉन ऑफ दिस, मतलब ना ट्रांजिटिव है ना सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव, बट अगर आप ये सोच रहे हो तो मैं आपको गलत करने वाला हूं अभी, ठीक है, अभी आपकी फीलिंग्स को मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूं, कैसे, कुछ समझ रहे होंगे पिछले एग्जांपल से, बट जो अभी भी समझे उनके लिए, देखो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्यों, तो इस साइड का हर एक एलिमेंट क्यू के साथ रिलेशन में नहीं है, बट क्या सिमेट्रिक है, देखते हैं, 1.2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2.1 आर को बिलोंग कर रहा है, नहीं करता, सिर्फ 1.2 है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा अगर इसमें 2.1 होता, क्या होता, 2.1 होता, 2.1 होता तो ये क्या हो जाता, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता, बट 2.1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, इसको हटा देते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव है, जी हाँ ये ट्रांजिटिव है, कैसे, ट्री ले, ठीक है, ट्री ली, क्यों, मतलब जो गिवन कंडीशन है वही नहीं बना पा रहा, इसलिए 1.2 आर को बिलोंग कर रहा है, 1.2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2.1 आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 किसी और को बिलोंग कर रहा है, भाई ये होता है a, b आर को बिलोंग कर रहा है, तो b, c आर को बिलोंग कर रहा है, शो करो a, c, बट यहां पे b, c वाली कंडीशन ही नहीं बन पा रही, b, c वाली कंडीशन ही नहीं बन पा रही, तो इसलिए ट्रिवियली ये ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ, ठीक है। तो एक आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 32 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम भी लूंगा बिल्कुल, 32 कह रहा है लेट अस डिफाइन आर ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर है तो हम बोलेंगे कि क्या है रिलेशन में है। तो अगर मैं देखूं तो a, a आर को बिलोंग करेगा, जी हां रिलेशन को, क्यों, क्योंकि a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, क्या वो ग्रेटर क्यों होगा, अरे भाई इक्वल टू जो होगा इसका मतलब है ग्रेटर या फिर इक्वल, इन दोनों में कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो रिलेशन है, ठीक है। अगर सिर्फ ग्रेटर होता तब बात नहीं होती, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखते हैं सिमेट्रिक का, तो अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो b a से बड़ा होगा, जी नहीं, अगर ये कंडीशन गिवन है तो ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन नहीं होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव देखते हैं, अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो इसका मतलब a c से बड़ा है, a c से बड़ा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। 33 बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ठीक है, रुचि आ रही है क्वेश्चन करने में। एक 1 2 3 सेट है, उसमें दे रखा है रिलेशन आर, ये तो कर रखा है कि दोबारा करते हैं 1.2 2.2 3.3, ठीक है 3.3, फिर दे रखा है 1.2 और 2.3 एंड 1.3, ये हमें दे रखा है, ठीक है।
बोल रहा है चेक करो क्या क्या है। तो पहले मैं बताता हूँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या ही देखने हैं, अब मैं बताता हूँ क्या क्या है। देखो इसमें ऑप्शन देखने का जरूरत है नहीं, देखो 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 समझ में आया। तीन पहले तीन देखते हैं सेट क्या है, सेट क्या है, सेट है 1 2 3 1 2 3। तो तीनों जो एलिमेंट है, तीनों जो एलिमेंट है वो खुद के साथ तो रिलेशन में है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री देखते हैं 1 2 के साथ है क्या, 2 1 के साथ है, जी नहीं 2 1 के साथ नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। आप कह रहे हो एक सी देख लिया, अगर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है तो आपको वही गंदी मछली निकालनी है, ठीक है। तो बदनाम तो हो चुका है किससे, 1.2 से, बाकी 2.3 से, तो 3.2 है। अब देखते हैं ट्रांजिट, क्या देखते हैं ट्रांजिट, ट्रांजिट कह रहा है अगर एक दो को बिलोंग कर रहा है, दो तीन को कर रहा है, तो एक तीन को करेगा, जी हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। और कोई देख लेते हैं, दो तीन को कर रहा है और तीन का कोई अलग केस है नहीं, तो इसका ट्रिवली ये भी ट्रांजिट है। 1 3 को कर रहा है, 3 में कोई केस बनेगा नहीं, या फिर 1 3 को कर रहा है एंड 3 3 को कर रहा है, तो 1 3 ठीक है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है ट्रांजिटिव है, ठीक है। कंडीशन होगी एक दो कर रहा है, दो तीन को कर रहा है, एक तीन को भी कर रहा है, बाकी अगर आप कोई वाला एलिमेंट लोगे तो वो ट्रिवियल ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रिवियल क्योंकि उसको सेकंड पेयर नहीं मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, सेकंड पेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड पेयर मिलेगा तो सेम मिल जाएगा, जैसे दो तीन को कर रहा है और तीन तीन को कर रहा है, तो दो फिर तीन को तो कर ही रहा है, दो तीन को दो, ठीक है। तो ट्रिवियल क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, बाकी अलग केसेस में, बाकी इस वाले के लिए तो 100% ट्रिवियल 100% उस चीज में है, मतलब इस वाले केस में डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि ट्रांजिटिव आपका हुआ, ठीक है। एक कांसेप्ट को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रिवियल में कंफ्यूज हो ना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को हम स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को हम स्किप करेंगे, क्यों, क्योंकि बाइनरी का बाइनरी 2019 में आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट, भैया 5 एलिमेंट है, एक ए सेट है इसके अंदर 5 एलिमेंट है और एक बी सेट है इसके अंदर 6 एलिमेंट है। देन कह रहा है 1 1 ऑन्टो, कितने फंक्शन होंगे, कितने ऐसे फंक्शन होंगे जो 1 1 ऑन्टो होंगे, पहला क्वेश्चन इसमें ये है, क्या बोल रहा है, कितने ऐसे फंक्शन होंगे जो 1 1 और ऑन्टो होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले फंक्शन ही कितने होंगे, क्या आपको फॉर्मूला पता है फंक्शन का, मैं बताता हूं फंक्शन का फॉर्मूला होता है f(g) नंबर ऑफ फंक्शन, अगर आपको निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n की पावर m, ठीक है, n की पावर m, वेयर n रिप्रेजेंट, n क्या रिप्रेजेंट करता है, n आपको रिप्रेजेंट करता है इसको इसको इसको, ये n होता है, और ये आपका m होता है, एक एलिमेंट m होंगे, एक b एलिमेंट m, ठीक है। n की पावर m आपके रहेगा नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब कह रहा है पता लगाओ 1 1 ऑन 2 मतलब बाईजेक्शन, क्या कह रहा है, बाईजेक्शन पता लगाओ, क्या लगाओ, बाईजेक्शन पता लगाओ। तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा, 1 1 ऑन 2 में हमने एक चीज देखी थी कि अगर ये 1 2 3 है और यहां पे 1 2 तीन तीन एलिमेंट है, तो 1 1 ऑन 2 में ये दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए, ठीक है, जब ही बाईजेक्शन बनता है, क्यों, आप खुद बना के देख लो, अगर मैं 1 का 1 के साथ बनाऊंगा 2 का 2 के 3 के 3 साथ, तभी तो 1 1 ऑन 2 बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस 3 को इधर कर दूं तो ये मैनी 1 हो गया, क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, ठीक है। अब ये ऑन तो है बट मैनी 1 है, ठीक है, यहां 3 लगा दूंगा और इसको हटा दूंगा, तो अब ये 1 1 तो है बट ऑन तो रह गया, ठीक है, 1 1 है बट ऑन तो रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि बाईजेक्शन जब बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, क्या इक्वल है, नहीं, यहां 5 है यहां 6 है, यहां 5 है यहां 6 है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, एक भी ऐसा नहीं बनेगा 1 1 और क्या 1 1 ऑन तो जो फंक्शन है वो हमारा उसमें नहीं बन पाएगा, ठीक है, 0 आंसर होगा। जब ध्यान रखना कब होगा, जब अनइक्वल होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अब क्या होगा, इक्वल होते लेट करो 5 ही होते, क्या होते 5 ही होते, क्या होते 5 होते, तो क्या करते इसका आंसर निकाल लो 5 फैक्टर होते, क्या होता 5 फैक्टर, क्यों होता, थोड़ा सा लॉजिक को लगाओ, परमुटेशन देखो, मैं परमुटेशन यहां डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं पता कुछ भी ऐसे होंगे जो 11 में कमजोर होते हैं, ठीक है, मोस्टली भी ऐसे होंगे जो 11 में कमजोर होंगे, बट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो फैक्टोरियल से 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है।
कॉमन सेंस बता दो फैक्टोरियल, ठीक है, जितने एलिमेंट हो फैक्टोरियल कर दो, ठीक है, अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो सीधे जीरो कर दो, क्या कर दो, जीरो कर दो, ठीक है, आया होगा समझ में, आया होगा, ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज ही एंड करते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्टडीज को ज्यादा वो नहीं होना, हाई की वाली करें, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बट डेली पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट को मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, मगर डेली पढ़ना, तो आज के लिए इतनी काफी है, और जो भी कुछ ना समझ में आए प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले से सोचता हूँ, देखो ये एक लाइव क्लास नहीं है, ठीक है ना, आप मेरे सामने डायरेक्टली बैठे हो, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आपको क्या, आपका लेवल क्या, आप किस चीज में दिक्कत ले रहे हैं, अगर यही क्लास, यही फायदा होता है ऑफलाइन क्लास का, कि हाँ जो टीचर होता है वो बच्चों को अंडरस्टैंड कर देता है, बैच को अंडरस्टैंड कर देता है कि भाई बैच का क्या लेवल है, तो उस हिसाब से वो चीजों को बताते हुए चलता है, बट अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे एक स्ट्रगल आता है कि बच्चों को अंडरस्टैंड, जो हमारे फीलिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हो नहीं पाता, तो इसलिए आप क्या करो कॉमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट जो मुझे नेक्स्ट वीडियो है उसमें थोड़ी हेल्प मिले, ठीक है, सो चेक इन अपना ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड बाकी कुछ जो नीचे के हैं उसको आप ट्राई करना, 36 जो है वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मैं अभी इसके में फॉर्मूले ना इसका मैं क्या लेके पिक लेके अभी साइड में लगा देता हूँ, वहां से आप